नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो यहाँ पर दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से यहाँ पे 26/9/2022 को दोस्तों एक लेटर जारी किया गया था। ये किया गया था दोस्तों यहाँ पर सह अकादमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद शिक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक और अन्य शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती की जानी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी गतिविधियाँ रहने वाली हैं, मतलब संदर्भित पत्र में उल्लेखित पदों को अतिथि शिक्षक पोर्टल में अपडेट करने की प्रक्रिया, दृष्टिगत सह अकादमिक एवं खेलकूद विषय में रिक्त पदों की अतिथि शिक्षक आमंत्रण की निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक पोर्टल में जो रिक्तियाँ आपकी दी जाएंगी 7/10/2022 से दी जाएंगी। विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना होगा 12/10/2022 से। और यहाँ पर दोस्तों MSDC की बैठक जो होगी 14/10/2022 को होगी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में जो ज्वाइनिंग होगी आपकी 15/10/2022 से होगी। दोस्तों समस्त पत्रों के निर्देशानुसार कार्यवाही यहां पर करेंगे। बता देता हूं दोस्तों कौन कौन से आपके यहां पर पद निकाले जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर प्रयोगशाला शिक्षक वर्ग 3 में, जिसमें से समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समस्त हाई स्कूल, संगीत टीचर दोस्तों यहां पर CM राइस स्कूलों में भी भर्ती की गई है। और उसके साथ साथ दोस्तों भर्ती यहां पर अतिथि शिक्षक की जो भर्ती की जाएगी वो CM राइज स्कूलों में की जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं नृत्य शिक्षक वर्ग 3 केवल CM राइज स्कूलों के लिए। यहां पर कंप्यूटर शिक्षक CM राइज स्कूल, पूर्व प्राथमिक शिक्षक CM राइज स्कूल, फाइन आर्ट शिक्षक CM राइज स्कूल। यहाँ पर दोस्तों आप रिक्तियाँ भी देख सकते हैं, इसके सामने दोस्तों रिक्तियाँ भी आपकी दी गई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैरियर काउंसलर की भी पद है, जो कि आपका वर्ग 2 और 3 के अंतर्गत रहेगा CM राइज स्कूल में। मनोविज्ञानिक का वर्ग 1 और 2 में पद रहेगा, CM राइज स्कूल में एक पद रखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है पोर्टल पे आप देख सकते हैं, मैंने अभी डेट बता दी है कि आपको पोर्टल पे जो रिक्तियाँ हैं वह दिख जाएंगी। पोर्टल पर रिक्तियाँ आपको दोस्तों 7/10/2022 से दिखना चालू हो जाएंगी। और जो मैंने पद बताए हैं दोस्तों उन पदों में CM राइज स्कूलों में भी वैकेंसीज निकाली जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो अतिथि शिक्षक की भर्ती है वो CM राइज स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 1, 2, 3 के लिए हैं दोस्तों।